लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप नुक्कड़ पे जाना और झाड़ी मारना, खाकी वर्दी दिखी ना कि सीधा सिग्नल देना। आज तो मैं काम बजाई डालूंगा, संभल के चिचा जाओ। मेरी जान आज तो तू गई रे। यार कैदी लोग का खाना खा के बहुत ताकत आ गई। अरे भाई चोरी नहीं किया मैं यार, मैं सुधर गया। अरे तेरा ही कपड़ा फटेगा फिर बोला मत। अरे चोरी नहीं किया यार, मैं इस मिल जाएगा तुम लोगों को। चलो अभी आ गया तो अंडा भुर्जी खिला मैं। अरे भाई बहुत भूख लगे लिए। अरे बहुत दिन के बाद आया मेहमान, अंडा भुर्जी खिला। तेरी जात का ए, दो अंडे का लाना, समझा क्या? कौन है बे? Thank you.
कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहा था तू? वो भूख लगी थी। वो साला डिस्टर्ब करके रख दिया। अपनी बीवी से बात कर रहा था मैं। भाभी जी भी यही है। मर गई। हिंदू थी वो। अच्छा खासा सपने में अपनी बीवी से माफी मांग रहा था। आज शायद मेरी मधुमति मुझे माफ भी कर देती, पर तेरे चिल्लाने की वजह से वो भाग गई। अब मैं मधुमति से फिर से माफी मांगने जा रहा हूं, अगर तेरी आवाजें बंद नहीं हुई तो तेरी सांसें बंद हो जाएंगी। समझ गया भाई, आप आराम से माफी मांगो, अभी कोई आवाज नहीं होगा। चुप! अब मुझे नींद आ रही है। कुछ नहीं बोला मैं कुछ नहीं बोला भाई, मैं कुछ नहीं बोला, मैं कुछ नहीं बोला भाई। माफ कर दिया, मेरी बीवी मधुमती ने मुझे माफ कर दिया। बच गए। माफ कर दिया। मुबारक हो। थैंक यू भाई। अच्छा अंकल, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं मैं आपसे? पूछो पूछो, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम कुछ भी पूछोगे मैं कुछ भी बताऊंगा। वो वैसे किस बात की माफी आप मांग रहे थे आपकी मधुमति से? ये लंबी कहानी है। तो जेल में कौन सा टाइम का प्रॉब्लम है, टाइम पास ही तो करने का है। आप बोलिए बोलिए। मेरा नाम बाबूलाल मेहता है। बाबूलाल? बाबूलाल हरकिशन दास मेहता। मैं एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूं। सिविल कॉन्ट्रैक्टर? और आप? वो यकीन नहीं होता ना इसलिए अंकल। आप बोलिए बोलिए। मुझे एक रिपेयर वर्क का काम मिला। काम करते वक्त मुझे एक ऐसी जगह का पता चला जहां करोड़ों रुपए रखे हुए थे। क्या हुआ अंकल? क्या हुआ अंकल? उस करोड़ रुपए के लिए मैंने मेरी मधुमती को मार डाला। ना 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 ना, रोते नहीं, नहीं नहीं रोते नहीं अंकल, रोते नहीं, रोते नहीं। ये करोड़ रुपए मर्डर, जरा डिटेल में बोलो ना। तो सुना,
क्या कर ली तू कमीना? हफ्तों गायब रहता है और जब पकड़ा जाता है तभी चंदा की याद आती है। इसीलिए तेरे को याद नहीं करता है। मिलने के मुंह का टेप रिकॉर्डर चालू और हाथ चालू। देख चंदा, कैसे भी करके ना मेरे को इधर से निकालने का बंदोबस्त कर। बहुत बहुत अर्जेंट काम है। ए, यहां का जज क्या रात को आकर मेरा नाच देखता है कि मैं उसको पटाकर तेरे को यहां से गायब करूं? अरे नहीं देखता तो दिखा उसको। देख चंदा, कुछ भी कर मेरे को इधर से बाहर निकाल। इस बार ऐसा जैकपॉट हाथ लगे लेना, काम सही हो गया ना तो जिंदगी भर के लिए चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरी रानी। चला क्यों? तेरी माँ ने तेरे लिए कोई नया करोड़पति बाप ढूंढा है क्या? नाम बोलना, उसको भी बुलाती हूँ मैं अपने डांस बार में रात को। अरे बाप का क्या करेगा मैं? ऐसी ऐसी टिप मिली ना मेरे को, एक जगह पे करोड़ों रुपए रखे हैं, वो जगह का पता अपने को मालूम पड़ गया है। मेरे को तेरी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तू पहले पता बोल, फिर मैं सोचती है। अच्छा, शानी बन रही तू। हाँ पता बोलूंगा कि तू जाके हाथ मार लेगी। हाँ फिर मार खानी के तेरे को? अरे गुस्सा काहे कर रही तू, मैं तो मजाक कर रहा था मेरी जान। अच्छा सुन सुन, तू ना वो वाजिद अली चिंदी का पता कर कैसे भी करके। उस रात को ना चोरी में वो भी मेरे साथ में था, उसको बोल इधर आके ना मेरा चोरी का इल्जाम अपने सर पे ले ले, समझी? अबे ढक्कन, उस रात तो तेरे को छोड़ के भाग गया, अब क्या तेरा इल्जाम वो अपने सर पे लेगा? अरे मेरी चिंगम, 1.5 लाख उसको दूंगा ना तो बराबर लेगा वो अपना इल्जाम। क्या बोल रहा है रे तू? 1.5 लाख कहाँ से लाएगी चंदा? ये पुलिस रेड की वजह से वैसे भी धंधा मंदा पड़ा है अपन का। मत मांग इतने पैसे रे। अरे मेरी जान, तेरे से कौन मांग रहा है? मेरे पास है ना 1.5 लाख, अपने टीवी के अंदर छुपा के रखे ले मैंने। जब तेरे को बोलती मुझसे शादी कर तो बोलता है पैसे कहाँ से लाऊंगा, क्या खिलाऊंगा, और अब ये 1.5 लाख वो टीवी को क्या तिजोरी समझ के रखा है? अरे मेरी जान, तू काय को भड़क रही मेरे पे? तेरे को मैं रानी बना के रखूंगा, वो तेरे लिए तो है पैसे। तो सुन, एक बार ये करोड़ रुपए अपने हाथ लग गए ना, उसके बाद कोई टेंशन नहीं, सिर्फ तू मैं और अपने छोटे छोटे बच्चे। चाँद पे आ गया तू अपने, चल। ए सुन सुन, जाते वक्त ना हवालदार को 500 रुपए दे देना। साला, अरे जब देखो पैसे मांगता है। अरे ए ले जा इसको। ए पप्पी तो देखे जा मेरी रानी। चल मैं तेरे को दिखाता है अंदर पप्पी कैसे लेते हैं। चल ए तेरी जात का है। चल गप। वाजिद अली चिंदी। बनाओ जान। आदाब। आदाब। आप यहाँ? अरे कहीं आपके आशिक ने मेरा नाम अपने साथियों पे तो नहीं ले लिया? होंडा मर जाएगा लेकिन तेरा नाम पुलिस को थोड़ी देगा।
वो तो तेरे को दिल से अपना चिंदी चाचा मानता है ना। लेकिन वो अपनी भरी जवानी जेल में काटे और तुम यहाँ छुपकर खंडर में बैठो, ये बात तो ठीक नहीं है ना। देखो चाचा, अगर होंडा तेरा बेटा होता तो क्या तू उसे ऐसे ही जेल में चढ़ने देता क्या? नहीं, लेकिन बेटे के लिए भी मैं जेल तो नहीं जाता ना। मेरे को पुलिस की मार से ना बहुत डर लगता है। सुना है वो डंडे से कुल्लू की ऐसी शिकायत करते हैं, इसीलिए मैंने आज तक चोरी नहीं की। हाँ, चोरी की दूर से पहरेदारी की है। लेकिन चिंदी चाचा, अगर आपको कोई इस काम के लिए 150,000 रुपए दे तो? अरे अभी इस उम्र में मेरे जनाजे को क्यों जेल से निकलवाती हैं आप? लीला, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बहुत हो गया, इधर आओ। बहुत हो गई तेरी उर्दू, अब मैं तेरे को अपनी भाषा में समझाती है। होंडा है ना, होंडा को जेल में करोड़ों रुपए का टिप मिला है, इसलिए उसको ताबड़तोब जेल में से बाहर निकालने का है। या तो तू अंदर जा, या तू कोई बकरा ढूंढ जो कि उसका इल्जाम सर पे ले सके, वरना ये चंदा तेरा सर फोड़ देगी। और उजड़े चमन, एक बात और, ये जो तेरे को मैंने करोड़ों रुपए की बात बताई है ना, ये किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, समझ गया लूंगी? जा बकरा ढूंढ। पागल हो गया क्या चिंदी? चोर बिरादरी में मेरा नाम है, पोजीशन है, लोग मुझे नंदू नोकिया के नाम से जानते हैं, और तू मुझे उस तुच्छे से चोर का इल्जाम अपने सर लेने के लिए कह रहा है? और उसने किया क्या है 5 साल के करियर में? सिर्फ एक होंडा कार चुराई है। तू किसी और को ढूंढ यार, जा। सोच लो मिया, इतने से काम के तुमको 140,000 रुपए मिलेंगे। 140,000? इतनी सी रकम के लिए मैं अपनी इज्जत बर्बाद नहीं कर सकता यार। और फिर वो बाहर आने के लिए इतने पैसे क्यों दे रहा है? क्योंकि अंदर उसे करोड़ों की चंदे 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 पुराना खिलाड़ी है ना तू, चल मुझे बता ये करोड़ों का झमेला क्या है? नोकिया भाई, सलाम अलैकुम, हमें पहचानिए? हम वाजिद अली चिंदी है यार, आपके दोस्त हैं, और आपने ये जो खंजर हमारी नई सी सुराहीदार गंदर पे रखा, इसमें कहीं खराश आ गई तो लखनऊ की चावल गली में हम चिंदी 6 इंच कम कर दूंगा तेरे को मैं। बताते बताते, अंदर होंडा को करोड़ों रुपए की टिप मिली की, यानी ये समझो कि उसके हाथ में जैकपॉट लग गया है। वो जेल के बाहर आए थे, उसका करोड़ों रुपए का जैकपॉट होगा, कुछ सा हमें भी मिलेगा यार। करोड़ों रुपए? तू कमाल है यार चिंदी यार, तू पहले क्यों नहीं बताया? तू पहले पूछा क्यों नहीं यार? ये खबर है तो हाथ मिला। देख, मेरे पास एक मुर्गा है, मार्को द गैम्बलर। घर अच्छा मिल जाए, उसके अलावा हमें और क्या चाहिए? मैं इल्जाम अपने सर ले लेता, पर अभी अभी मेरी बहन की शादी की बात पक्की हुई है। सोच ले मार्को, तेरे को इस काम के 130,000 मिल सकते हैं, और फिर ये पैसे तेरी बहन की शादी में काम आ सकते हैं यार। You're right my boy, पर मैं अगर जेल चला गया तो उसकी शादी कौन करवाएगा? Just look at her, she's so innocent, just like an angel. वो मेरे बिना कैसे रहेगी? नंदो, ये काम तू क्यों नहीं करता? मैं? तू तो जानता है ना मार्को, मेरी माँ बीमार रहती है हमेशा, और होंडा को निकालने के लिए हमें करोड़ों मिल सकते हैं यार। ये क्या बेहूदगी है मियां, बजाय राज को राज रखने के आप एक हमराज और बढ़ा रहे। Just shut up you खंडर नवाब। Nandu, you mean crores of rupees? हाँ मार्को, होंडा को अंदर जेल में करोड़ों रुपए की टिप मिली है। सोच, तेरा लॉस वेगस जाने का सपना, वहां गैम्बल करने का सपना, वहां करोड़ रुपए कमाने का सपना, सब सच हो सकता है यार। मेरा क्या है, मैं तो यहां अपनी माँ के साथ रहकर
तेरी बहन की भी देखभाल कर लूंगा यार, तू बस अंदर चला जा, जस्ट गो इन मैन। अगर करोड़ों की बात है तो हम अंदर क्यों जाएं? मेरे पास एक बकरा है, बूटा सिंह। ये ले। ओए नारो टाटा सिंह, पहले चिंदी फड़। हम इसका क्या करें भाई बूटा? तेरा पजामा उतार और चड्डी पहन के घूम इधर, बहुत बुरे लगेंगे। अरे वैसे कौन से अच्छे लगते हो? तू बूढ़ा हो गया, अकल नहीं आई, बाहर जाके सुखा इसको। ओ मार्को, तू क्यों सस्पेंस पिक्चर के हीरो की तरह बैठा है? ये ले बॉटल पकड़ और अंदर से दूध लेके आ। और तू भी हलवाई हो, इसकी सूखी चड्डी लेके आ। नौकरी पे आया क्या? जब से देख रहा हूँ दूध ला ये ला वो ला, तेरे लिए जो काम लाया ना उसका जवाब दे, बोल जाएगा अंदर तू? अबे नंदू बैल, तेरे आंख है के नीले बटन, ये बच्चा नहीं दिखता तेरे को, इसको छोड़ के कैसे जेल में चला जाऊं? यार बूटे, निहायत आसान काम है, इस मासूम नौनिहाल को इसकी अम्मा के गोश शरीफ में दे और तुसी जेल शरीफ में दाखिल हो जाए। अरे कैसे दाखिल हो जाऊं, खुद इसकी माँ फ्रॉड के केस में 2 साल के लिए जेल में दाखिल है। ये भी जेल के अंदर पैदा हुआ था मेरा टाटा सिंह। बूटा बूटा बूटा, जस्ट थिंक इट ओवर। अरे हिंदी में बोल मार्को, अपनी ठंडी दुर्बुद्धि से सोच। देख इस काम का तुझे 1,20,000 मिलेगा। इसकी माँ को जेल से आने में 1 महीना बाकी है, अगर मैं जेल चला गया तो फिर इसको कहाँ छोड़ूंगा? अरे बूटा कहीं भी छोड़ यार, सास के पास छोड़, साली के पास छोड़, कहीं भी छोड़, पर तू अंदर जा, करोड़ों की बात है यार। ये कमीने का रास्ता बना रहा है, कब खाते जिंदगी। बोल 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 बोल, करोड़ों की क्या बात है, करोड़ों की बात बोल तू। बूटा बूटा होंडा है ना? होंडा है, उसे जेल में करोड़ों की टिप मिली है यार, और बाहर आते ही सब माल उसका हो जाएगा, कुछ अपना भी होगा। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू डू समथिंग। हिंदी में बोल ना यार। इसलिए दोनों हाथ जोड़कर तुझसे विनती कर रहा हूँ कि अंदर चला जा मेरे दोस्त। टेंशन नहीं लेने का, मैं अंदर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, अपनी जगह किसी और को तो अरेंज कर सकता हूँ। वही व्हाट हैपेंड? ऑडिशन ऑफ परिंदा, एक लव स्टोरी, टेक 1, एक्शन। ठाकुर साहब, जिस पेड़ की छांव के नीचे आप बैठे हैं वो झाड़ हमारे पुरखों का है, और आप अकेले अकेले उसके फल खा रहे हो, गरीबों को सिर्फ छिलके देते हो। एक बात मत भूलो ठाकुर साहब, जिस दिन गरीबों के पेट की भूख पड़ गई ना तो जुलाब आ जाएगा। कट 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 भाई कट, हो जाएगा हो जाएगा। ओके ओके, जुलाब नहीं, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जुलाब पेट में लंच के बाद। हाँ बाद में फोन करा, टेंशन इधर कीजिए। जी जी जी, ओके ओके। लाइट्स लाइट्स है सर। अच्छा रोल साउंड, कैमरा, टेक 2, एक्शन। ठाकुर साहब। अबे ओ कट करो भाई, पूरे संसार के ठाकुरों को बुलाएगा तू? नहीं सर, एक ही ठाकुर है, सोलो परफॉर्मेंस दे रहा है, हो जाएगा। हाँ करो 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 करो। ओके सर, रेडी? हाँ हाँ जी। रोल साउंड, कैमरा, टेक 3, एक्शन। ठाकुर साहब, जिस चने के झाड़ के नीचे आप बैठे हैं ना। ओ अबे रुक, कट करो यार, क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है सर? चना? अबे चने का झाड़ नहीं, दौलत का झाड़। ग्रेंजर बड़ा है, समझ गया ना? हाँ प्लीज कीजिए, हंसिए नहीं, कॉमेडी पिक्चर नहीं बन रही। खुकार, बिहेव खुकार, ओके ओके प्लीज, हो जाएगा हो जाएगा। सो वंस अगेन, हाँ फिर से भाई, ऑर्डर सर। ओके स्टार्ट साउंड, कैमरा, टेक 4, एक्शन भाई। देखो भाई, टेक 5, एक्शन। ठाकुर साहब, टेक 17, एक्शन। ठाकुर साहब, टेक 25, एक्शन। ठाकुर साहब, जिस चने के झाड़ के छांव के नीचे आप बैठे हैं ना, एक्शन। एक्शन फकीरों के लिए छिलके,
एक्शन ठाकुर साहब जिस हाँ भाई एक्शन 45, 57, 105 ये मत भूलो ठाकुर साहब कि जब इंसान के पेट में भूख लगती है अब 125 एक्शन जब गरीबों के पेट पे लात पड़ती है भूख सर सर हाँ भाई हो गया जय माता दी नहीं सर रॉ स्टॉक खत्म हो गया पैसे दीजिए ना और स्टॉक लाना है हैं और स्टॉक लाना है अरे, अरे तेरे बाप का पैसा है रे नहीं है? सर मेरे बाप का भी नहीं है एक काम कर उसके कपड़े निकाल और लात मार के भगा उसको अभी भगाता हूँ सर और कोई दूसरा दरिंदे ढूंढो एक मिनट एक मिनट वो 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 गॉड ओ हीरो यस सर अरे इधर देख पीछे देख यहाँ से भी धक्का तो क्या हुआ धक्के तो सबको पड़ते हैं शाहरुख को भी पड़े थे इसमें कौन सी बड़ी बात है अबे लेकिन शाहरुख ने धक्का खा खा के बेंच स्टैंड पर बड़ा बंगला बना लिया क्या बात कर रहा है उसने बंगला बना लिया उसने मुझे बताया नहीं यार कहाँ के बताता तूने धक्का खा खा के झोपड़ा भी नहीं बनाया अरे मान क्यों नहीं लेता तेरे में एक्टिंग का टैलेंट नहीं है छोड़ दे कुछ और कर यार क्या करूं डायरेक्टर बन जाऊं आजकल बहुत से फ्लॉप एक्टर्स डायरेक्टर बनने बन जाऊं अरे तू धक्के के साथ साथ लात खाने का भी काम करेगा अरे मैं तेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया काम लाया हूँ चुस्की निकाल जेब से चुस्की निकाल जल्दी ये काम लाया तू निकाल तो यार चुस्की निकाल निकाल पढ़ मुंह में डाल मेरे मुंह में नहीं यार इसके मुंह में डाल टाटा जी के मुंह में डाल चुप कर यार तू काटता कैसा बच्चा सुन तो सही इस काम के तुझे 110,000 मिलेंगे काम क्या है वेरी सिंपल एक चोरी का इल्जाम अपने सर लेना है व्हाट व्हाट मैं जेल जाऊंगा कल का सुपरस्टार मैं चोरी का इल्जाम अपने सर पे लूंगा यू मस्ट बी जोकिंग टैक्सी फनकार आजम जरा एक मिनट को यहाँ आए और हमारी जनरल नॉलेज में इजाफा करें यहाँ है भैया और हमें ये बताएं कि आपकी जेब में इस वक्त कितना पैसा है 50 रुपए उसके बावजूद आप 110,000 रुपए को ठोकर से उड़ा रहे नामाकुल कमबख्त ना इंजार इंजार ये आपका नाम है नहीं नवाब वाजिद अली चिंदी अरे चिंदी को छोड़ यार इतने सारे पैसे मिल रहे चला जा अंदर कितने टाइम के लिए जाना है 3 महीने के लिए 3 महीने हाँ यार अरे सोचना कि तू जेपी दत्ता की कोई आउटडोर शूट पे गया बस LOC LOG ओके डन डन ओके कामयाब लौटे अबे थकेले तो फिर अकेले क्यों आया है कहाँ है तेरा कोहिनूर लाए है ना तो क्या मैं तेरे लिए भी नाचूं फिर बुलाएगा तू उनको एक बार यू कर तो पैसा बुलाती अरे भाई तशरीफ ले आए मोहतरमा की खिदमत में गोरिश बजा लाए आदाब करें ये जाएगा नहीं ये नहीं जब हमने इनके सामने अपनी तजवीज पेश की तो इन्होंने मार्को भाई का नाम लिया कौन है ये अरे मार्को भाई तो ये जेल जाएगा नहीं ये भी नहीं जाएंगे दरअसल नंदू और मैंने जब इनके सामने तजवीज पेश की तो इन्होंने बूटा सिंह का नाम लिया वो जेल जाएगा कि नहीं कहाँ है वो बूटा भाई आप भी आ जाएं तो ये जेल जाएगा नहीं ये भी नहीं जाएंगे दरअसल बच्चा इनकी मजबूरी है जब हम दोनों ने इनके सामने तजवीज पेश की तो इन्होंने चौथे भाई का नाम अबे लिया। चिंदी तो जेल कौन जाएगा ये नहीं जाएगा ये लंबा नहीं जाएगा और ये बच्चे के साथ है इसलिए नहीं जाएगा तो फिर जाएगा कौन जेल हीरो चिंदी इधर आ अबे बुझी हुई लालटे मैंने तेरे को एक आदमी को लाने के लिए कहा था तू तो पूरी फौज बना कर ले आया इन सब को पैसों के बारे में तो नहीं बताया ना नहीं हमने एक को बताया उस कमीने ने सबको बता दिया वो जो हीरो अंदर जा रहा है उसको हमने कतई कुछ नहीं बताया उसको नहीं मालूम है सड़े हुए रतालू
इतने से काम के लिए तूने इतने हिस्सेदार बना दिए, अगर होंडा को पता चल गया ना तो तेरी चिंदी चिंदी कर देगा। हाँ। अरे चांदनी बार की फिरदौस, ये तो बात की बात है। पहले जनाब होंडा साहब को जेल के बाहर आके उस खजाने का पता तो बताने दीजिए। पुलिस की रिपोर्ट और मुलजिम के रिकॉर्ड को देखते हुए अदालत मुलजिम को कार चोरी के इल्जाम में 3 महीने की कैद। एक मिनट जज साहब, कोई भी फैसला सुनाने से पहले इस चोर की शक्ल को गौर से देखिए। ये चोर लगता है मगर है नहीं, ये तो फरिश्ता है जज साहब, फरिश्ता। जियो मेरे शेर। हम लोग इसको नन्ना फरिश्ता बुलाते हैं, यू नो स्मॉल वंडर। कौन हो तुम? इस चोर का साथी, मेरा मतलब इस फरिश्ते का चोर साथी जज साहब। वो गाड़ी मैंने चोरी किया जज साहब, मैंने। ये तो मुझे समझा रहा था कि भाई जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो रास्ता सिर्फ जेल की काल कोठरी में खत्म होता है। तो मैंने इससे कहा उफ उफ तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, उफ उफ उफ। क्या दिया इन आदर्श ने तुम्हें अभी तक? ये 250 रुपए की पैंट शर्ट लिंकिंग रोड से खरीदी हुई, और ये चप्पल 60 रुपए की बागड़े की है, और ये फटी हुई जेब, क्या दिया क्या तुम्हें? मुझे देखिए क्या नहीं है मेरे पास। रास्ते में जिस गाड़ी पे हाथ रखती वो गाड़ी मेरी होती है, जब चाहूं कोई भी बाइक कोई भी ऑटो कभी भी बेच सकता हूं मैं, ये है मेरी पहचान। और इसे क्या मिला? ईमानदारी, वैसी ईमानदारी जिस पर कोई विश्वास भी नहीं करता है। कब तक बचाएगा तू मुझको मेरे भाई, कब तक बचाएगा मुझको? बस बस जज साहब, असली चोर मैं हूं, मैं चोर हूं जज साहब, मैं बहुत बड़ा चोर हूं। वाह, मैं इतना बड़ा चोर हूं कि मेरे बचपन में मेरे बाप ने मेरे हाथ में लिख दिया था, ये देखिए हमारा बेटा चोर है। बस, बस। मैं चोर हूं जज साहब, मैं चोर हूं। बस। What a shot, what a shot, mind blowing, क्या परफॉर्मेंस है यार, वाह आ गया तू। अरे उस दिन क्या हो गया था यार, यही डायलॉग तू उस दिन अगर सिंटेक्स में बोल गया होता तो आज तरिंदा एक लव स्टोरी का मेन हीरो तू होता और मैं वो पिक्चर डायरेक्ट कर रहा होता। टेंशन में लेडीज बार में दारू पीते हुए पकड़ा नहीं गया होता। कुछ करते हैं, जमाते हैं बाद में। गुड, गिव इट अप। कानून की आंख में धूल झोंकने के जुर्म में अदालत मुलजिम और उसके साथी हीरो को 3 साल कैद का हुक्म सुनाती है। ए, तेरी हीरोगिरी बंद कर, ये इतने इतने मामूली जुर्म के लिए इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? आई एम एन एक्टर, आई हैव टू परफॉर्म। जब मुझे परफॉर्मेंस का मौका मिलता है मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ। तुझे जंगल में जाके छोड़ के आना चाहिए। साले तेरी वजह से 6 महीने की सजा 3 साल की हो गई। तुझे तो एक फ्लॉप चोरी की सजा मिली है ना, मुझे दे, मैं तो कुछ भी नहीं किया तब भी मुझे 3 साल की सजा मिली है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ कोर्ट में। दिस इज नॉट माई स्टाइल। अबे स्टाइल की औलाद, तेरे को पता नहीं तूने क्या किया है। चला अपना नसीब ही खराब है, जब लुक्खा था तभी बाहर घूमता था, अब जब करोड़ों की टिप मिले लिए तब मेरे को अंदर जाना पड़ रहा है, समझा तू? करोड़ों की टिप, इसीलिए तो तुझे अंदर करवा के मैं बाहर जा रहा था और तूने पूरी वाट लगा दी। तुझे करोड़ों की टिप मिलेगी तुझे। एक करोड़ों करोड़ों जोर से मत बोल, तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? ऑब्वियसली, तो जैसा बी कैटेगरी का सी क्लास चोर उसको करोड़ों की टिप कभी मिल सकती? बाबूलाल मेहता। वो कौन है? हर्षद मेहता का भाई। चुप। सिविल कॉन्ट्रैक्टर है वो, समझा? सिविल कॉन्ट्रैक्टर और करोड़ों रुपए की टिप, और वो पैसे खुद क्यों नहीं रखेगा, तुझे क्यों देगा? कोई बहुत अमीर है क्या वो? जेल से निकल नहीं सकता ना वो, मर्डर केस में 14 साल के लिए अंदर है, उसी ने बताया मेरे को। यकीन नहीं हो रहा ना तुझे? तो सुन, मैं बांद्रा के पाली हिल के सी स्टार सोसाइटी में फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट नंबर 101 में रिपेयर वर्क का मुझे काम मिला। जिस फ्लैट का मुझे काम मिला था
उसके मालिक अक्सर विदेश में रहते थे। अच्छा, सिर्फ छुट्टियों में ही आते थे, बाकी पूरे साल फ्लैट बंद रहता था। मैं जिस फ्लैट में काम कर रहा था उसके ठीक बगल वाले फ्लैट में हसमुख लाल निहलानी रहते थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने भी अपनी रिपेयरिंग और पेंटिंग का काम मुझे सौंप दिया। क्या बात है। फ्लैट में काम करते करते मुझे पता चला वहां एक तिजोरी है। तिजोरी? उस तिजोरी में उसने करोड़ों रुपए का अपना काला धन छुपा के रखा है। निलानी उस फ्लैट में सिर्फ मजा मारने आता है, वो भी ऑफिस के लंच आवर्स में। मजा बोले तो? तभी मैंने सोच लिया था जैसे ही विदेशी परिवार विदेश जाएगा मैं उस खाली फ्लैट में आराम से घुसकर उन दोनों फ्लैट के बीच की दीवार को तोड़कर तिजोरी का सारा माल चोरी कर लूंगा। जियो बाबूलाल। और चोरी करने के लिए रिपेयर के बहाने मैंने बीच की दीवार को तोड़कर उसकी जगह एक ऐसी कमजोर दीवार बनाई है जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। गुड। और जैसे ही मैं चोरी करने के लिए घर से बाहर निकला मेरी बीवी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हें चोरी करने से रोकने के लिए? नहीं, बाजार से 3 अंडे लाने के लिए। अंडे? हाँ अंडे। कहने लगी, बाबू आज मेरा ऑमलेट खाने का मन कर रहा है, जा बाजार से 3 अंडे ला। मैंने कहा, मधु कल खा लेना, आज मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाने दे। कहने लगी, नहीं मुझे आज ही अंडे चाहिए, आज ही अंडे चाहिए। मैंने कितना समझाया पर वो नहीं मानी। उसके अंडे अंडे ने मेरे दिमाग का भेजा फ्राई किया। मैंने पास पड़े हुए डंडे को उठाया और उसके सर पर दे मारा और वो मर गई। बाबूलाल, 3 अंडे के लिए तुमने अपनी बीवी को मार दिया। उसी बात का तो मुझे अफसोस है मेरे दोस्त। शी, पिछली सारी बातों को भूल जा बाबू, सब कुछ भूल जा। इसके बारे में ना कभी सोचना ना किसी को बताना। तुझे तेरी मधुमति की कसम है, सो जा। क्यों बच्चों, खा गया ना झटका? झटका तो अभी तू खाएगा मेरे दोस्त। क्या? ए रो, इधर क्या बैठा है, चल निकल। कैसे जाएगा साहब ये 3 साल की लगे लिए? इसकी सजा माफ हो गई है। क्या माफ हो गई? मैं बताता हूँ, तेरे जाने के बाद मैंने जज साहब के सामने एक और सीन किया। कैसे तूने मुझे डरा धमका कर अपना जुर्म कबूल करने पे मजबूर किया, इसलिए मेरी सजा माफ हो गई और तेरी सजा 6 महीने से शायद 3 साल की कर दी गई। I'm an actor. I have to do this. तेरी hey, 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 oh, oh, hey, 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 छोड़ hey, 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 बाल छोड़, बाल छोड़, बाल को हाथ लगा, बाल को हाथ मत लगा। Hey, एक मिनट। अरे बहुत, अरे वो बोल रहा है एक मिनट। तिजोरी का पता बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी जात को, सॉरी। Yeah baby, woo, yeah, yes. पता है कि तू है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा क्योंकि अब मुझे प्रोड्यूसर्स के धक्के खाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी फिल्म खुद प्रोड्यूस करूंगा और उसका नाम रखूंगा मैं करोड़पति हूं ना, समझ नहीं दैट। दिस समर्स गोना बी कूल ड्यूड। ये हाय, रोको, क्या बे?
टेक इट इजी। क्या क्या कर रहे हैं आप? मेरी क्या गलती है? गलती तो उस असिस्टेंट डायरेक्टर की है जिसने सबके सामने मेरा राज खोल दिया। इसलिए आप डोंट टच मी, ओके? सनशाइन बॉय, तेरी वजह से हमारी चंदा द बार गर्ल का बॉयफ्रेंड बिहाइंड द बार्स चला गया। नाउ वी वांट अ मनी बैक, हमारा पैसा 1,10,000। मनी? हाँ नहीं, मनी तो मैंने मनी रतन रहमान को दे दी। उनके कर्जे वर्जे देने थे मुझे यार। मार्को, ये ऐसे नहीं देगा। मैं टाटा की आंख बंद करता हूँ, तू मार डाल इसको। You're right. वो काम मैं करूंगा। साले को इस चाकू से मारकर इसकी बोटियों को फिल्म स्टार्स के कुत्तों को खिलाऊंगा। मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझ जैसे युवा को जिंदा रख के भी क्या मिलेगा? तिजोरी का बता। तू बरखुरदार, ये तिजोरी का पता तुम्हें कैसे मिला? हॉर्नर ने बताया। और अगर आप लोगों को मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो कल सुबह मेरे साथ चल सकते हैं, मैं आपको तिजोरी दिखा दूंगा। यह है पहले माले पर हसमुख नहलानी का फ्लैट जिसके अंदर तिजोरी है। और इसके साथ वो खाली फ्लैट है जिसकी पीछे दीवार को तोड़ के हमें इस फ्लैट में घुसना है। लेकिन इस फ्लैट में हम मेन डोर से नहीं घुस सकते क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इसलिए हमको पीछे वाली खिड़की को तोड़ के घुसना पड़ेगा मैदान वाले रास्ते से। भीड़ू, तिजोरी का तो पता चल गया, लेकिन जिसमें करोड़ों रुपए रखे हों वो कोई मामूली तिजोरी तो नहीं हो सकती। और जब तक उस तिजोरी के मॉडल का पता नहीं चलता तब तक उसे तोड़ना मुश्किल है। You've hit the hammer right. और हिंदी में बोल मार्को। तोड़ दिया हथौड़ा, अब हमें एक वीडियो कैमरा चाहिए जिससे वी कैन शूट द सेक्सी बेबी। सेक्सी बेबी? जरा हमें भी देखते दीजिए वो चिंदियों में कैसी लगेगी, हम देखना चाहते हैं। चिंदी वहाँ कोई सेक्सी बेबी नहीं है, वो तिजोरी की बात कर रहा है, लड़की की नहीं। वैसे तुम लोगों में से वीडियो कैमरा नाम की चीज़ तो किसी के पास होगी भी नहीं। यस, वो मेरे एक दोस्त के पास है। कहीं वो लुधियाने में तो नहीं रहता? ओए नहीं, शहर पंजाब में रहता है। फिर ठीक है, चल नंदू लेके आते हैं। चल चल। ये चिंकी, ओए सुना नहीं तूने? हिंदी चीनी भाई भाई मरवाएगा यार। इधर ही खड़ा रहना, गाड़ी बंद नहीं करना। ओ भाई साहब, भाई साहब, चाइनीज हो आप? कैसा आप पहचान लिया? आपकी वाइफ है? योर वाइफ? या दिस माय वाइफ। अरे देन नूडल एंड मंचूरियन वाई सेपरेट, स्टिक टुगेदर, आई विल शूट। ओके थैंक यू। हाँ जी थैंक यू। चाहिए टुगेदर? हैंड अप। You too, madam. Yes, madam. Smile. No, no, no. Smile. Don't cry. Smile. Bhuta, bhuta. What a pose. Look like. Aja. He ranja. Very good. Oh, nikal, 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 nikal. Bye, nikal, bye. Nikal. Hey, stop. He's gone. Hey, give my camera. Hey. Hey, milenge. Hey, stop. यार हीरो, यार तुम्हारी इतना दुरुस्त है? अरे उस झरोके में से एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा यार। बड़े मियाँ, मिस्टर नहलानी यहाँ सिर्फ लंच टाइम पे आते हैं, जरा इत्मीनान रखिए। अभी देख 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 वो आ गया। एक मिनट, एक मिनट, ओके आई एम शूटिंग। इसके साथ तो एक हसीन लड़की भी है। लगता है नहलानी नॉनवेज का शौकीन है। शर्ट उतार रहा है लड़की का। अपना अरे लड़की अपना शर्ट खुद उतार रही है। क्या बोल रहा है? वेट 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 मैन वेट। यार रुको 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 यार, मेरे को देखने दो। टाटा सिंह की माँ 2 साल से जेल में मुझे देख। वो आज जेल में, कल बाहर आ जाएगी। मेरी बीवी भी मुझको छोड़ के चली गई, मुझे देखने दो। क्या कर रहे हो तुम लोग? कभी लड़की को कपड़े उतारते हुए नहीं देखा क्या? मैं दिखाऊं?
साला ठरकी लोग, तुम लोग तो सच में देख रहे हो। उधर देख, देख उधर चिंदी। ओहो, देखो लड़की के साथ कैसा डांस कर रहा है। देखो लगता है बोल्डी गोल्डी स्वीट कॉर्न सूप के साथ वायग्रा की तो कड़क गोलियां खा कर आया है। अभी उसको बिस्तर पे लेके जा रहा है। ओ यार, इसका मतलब है आधे घंटे की फुर्सत हो गई। आपको कैसे पता चाचा? वो मियां, अपनी जवानी में हमने एक गोली। क्या बात कर रहे हैं बचके? खंडहर बता रहे हैं इमारत कभी बुलंद थी। मार्को, इंग्लिश में बोल। नंदू, आधे घंटे का ब्रेक। कम ऑन, जल्दी। हेलो माँ। हाँ माँ। माँ ले क्या, तबीयत बहुत खराब हो गई माँ? लेकिन मैं ठीक है, देखता हूँ। माँ का फोन था। हाँ, लेकिन मैं ऐसे में कैसे जा सकता हूँ? कैसी बात कर रहा है? माँ, मदर, अरे माँ का फोन था। देख, हम सब है ना यहाँ, वैसे भी आधे घंटे का इंटरवल है, तू जा, जा। थैंक्स, थैंक्स यार। जा। लिसन, कैसे जाएगा? भागते हुए जाऊंगा। और वापस कैसे आएगा? भागते हुए आऊंगा। सिली बॉय। ये ले, टैक्सी से जाना और ऑटो से वापस आना। गो माय बॉय, गो। थैंक्स यार, मैं आता हूँ। हाँ मदर, नंदू तुम, लेकिन मार्को तो घर पर नहीं है। जानता हूँ, वो जहाँ पर है वहाँ से एक घंटे के अंदर नहीं आने वाला है। So let's not waste time. नंदू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं सिर्फ प्यार करने के मूड में हूँ, बात नहीं करना चाहता अभी। मिस्टर बूटा। हाँ? नंदू still has not come. मार्को, हिंदी में बोल। अपना नंदू अभी तक वापस नहीं आया है। हो सकता है उसकी माँ की तबीयत और खराब हो गई हो। ये कैसी बात कर रहा है बूटा? हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि नंदू इस वक्त जिस सेवा में लगा है, ऊपर वाला उसके लिए नंदू को भरपूर शक्ति दे। Father. Yes, my son Margo. Father, please pray for Nandu's mom. I will surely pray for Nandu's mother, my son. Nandu ko shakti dijiye. आप कैसी है? पहले से बहुत अच्छी है। तुझे बहुत दुआ दे रही थी। थैंक गॉड। तिजोरी खोल रहा है, तिजोरी खोल रहा है। एक मिनट, एक मिनट, आराम से। ये कॉम्बिनेशन नंबर नोट करना है हमको। कर कर कर। दिस इज इट। सेवन, 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 फाइव, फाइव, वन, 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 थ्री, थ्री। ये नंबर नहीं है, ये कैमरा और तिजोरी के बीच में लड़की की कमर है। अखियों से गोली मार। अरे तिजोरी खोल रहा है। सेवन, 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 फाइव, फाइव, वन, वन,
बस यार बहुत हो गया, कब तक हम इस बंदे की गंदी तस्वीरें देखते रहेंगे इस नंबर के चक्कर में। राइट, एनफ ऑफ दी सेक्सी ब्लडी लंचेस। ओए हिंदी में बोल मार्को। अरे और हजम नहीं होता यार, बट हम में से कोई भी इस तिजोरी का मॉडल नहीं तोड़ सकता। We need an expert safe breaker। आप में से कोई जानता है तिजोरी तोड़ने वाले को? मैं जानता हूँ, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो मुंबई का सबसे बड़ा तिजोरी तोड़ है, उसका नाम है दीपक। कौन? तिजोरी? हाँ, दीपक तिजोरी। अरे ऐसे ताले तोड़ता है, ऐसे तिजोरी के ताले तोड़ता है जैसे हम लोग आमलेट बनाने के लिए अंडा तोड़ते ना ऐसे। और दीवारों पे तो ऐसे चढ़ता है, ऐसे चढ़ता है मानो स्पाइडरमैन। और चोरी करके ऐसे उड़नचू हो जाता है, ऐसे उड़नचू हो जाता है जैसे सुपरमैन। यार बूटा, ये जो टूटा फूटा शख्स, यही दीपक तिजोरी है क्या? ये मोटा यही व्हीलचेयर चलाकर दीवारों पर चढ़ता है? स्पाइडरमैन, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। चुप। ओए दीपक, पिछली बार तू मेरे को मिला था तो अपनी टांगों पे खड़ा था, ये कैसे हो गया? ये बहुत ही दुख भरी दास्तान है। पिछली बार जिसके घर पे गया था तिजोरी तोड़ने के लिए, वो एक पहलवान का घर निकला, दारा सिंह द पहलवान। इत्तेफाक से वो वापस आ गया, और इससे पहले कि मैं उसकी तिजोरी तोड़ता, उसने मुझे पीट पीट कर मेरी टांगें तोड़ दी। Breaking even? Wow! और आज उसी की मेहरबानी की वजह से मैं इस व्हीलचेयर पर हूं। अब क्या करें? Let me think यार। अरे गोद में उठा के ले चलते हैं उसे। चुप कर नंदी बैल, गोद में उठा के ले चलते हैं। वो क्या टाटा सी का जो गोद में ले चलते हैं? Oops, don't worry, अब मैं कहीं नहीं जाता। अरे अब अलबत्ता, अब मैंने तिजोरी तोड़ना बंद कर दिया है। पर मेरे दोस्तों, निराश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैंने तिजोरी तोड़ने के कोचिंग क्लासेस शुरू कर दिए हैं। खामोशी द क्लासेस। जो कोई मेरी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करेगा, वो एक दिन में इन वन डे दुनिया की बड़ी सी बड़ी तिजोरी खोलना सीख जाएगा। दुनिया की बड़ी से बड़ी तिजोरी। इसे देख। इसे खोलना है? इसके अंदर देख यार। अच्छा अच्छा। इसे तो तुम आराम से खोल सकते हो, सिर्फ 4 घंटे का समय चाहिए। ओए तो फिर देर किस बात की, फटाफट सिखाना शुरू कर चल। देखिए हर चीज की कीमत होती है, पहले आप मेरी एडमिशन फीस तो दीजिए। तो माहिर फनकार यार कलाकार, अपने काम का मुआवजा बोलिए। पूरे 50,000। 50,000? ये तो अपने वजन के हिसाब से प्राइस बोलता है साला। 60,000 बहुत है। 70। ये क्या हिमाकत है? 80। इतना नहीं हमारे पास। 90। तेरी ब्रेक लगा यार। पूरे 1,00,000। चुप, खामोश, जुबान को लगाम दे। अच्छा किया जो तुमने उसका मुंह बंद कर दिया, और अपने पैसे बचा लिए, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स के लिए कोई डिस्काउंट नहीं, सिर्फ फाइन है। फाइन, समझ गया मैं। हमें कैसे भी 1,00,000 रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। कोलंबस इसे साथ लेकर आए थे जब आए थे। ये घड़ी ओरिजिनल घड़ी है, बच्चों को खास पसंद आती है। एक्शन। केश बहार शैम्पू, 1 सैशे 10 सिरों की धुलाई करें 75 पैसे में, अपने बालों को संवारे और अपनी सुंदरता को निखार। साहिबान कदरदान कीजिए पैकेज से होशिया। ये चोरी कमाल नहीं है, मेहनत कमाल है मेरे भाई। आते जाना लेते जाना, 10,000 11,000 कमाल, 1,000 रुपए में एक कटिंग चाहिए। थैंक यू। जल्दी जल्दी। नहीं नहीं नहीं, टेलीविजन वर्ल्ड वॉर 1 का नहीं है, लेटेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट। इस मौके को हाथ से ना जाने दीजिए, अभी आइए, अपने मोहल्ले वालों को भी लेके आइए। केश बहार शैम्पू। एंड कट इट। नोकिया है, सैमसंग है, सोनी है, एरिक्सन है, मोटोरोला है, अल्काटेल है। अल्काटेल? अल्काटेल है मेरे भाई, ए चंडला लैंप। ऐसा लैंप पूरे चोर बाजार में कहीं नहीं मिलेगा।
सिर्फ एक बार देखिए, घुमाइए, बल्ब लगाइए और भूल जाइए। मच्छी बन जाऊंगी, कबाब बन जाऊंगी, कान पे लगा ले मोबाइल बन जाऊंगी। देखो जी ए भूटा, इतने सारे पैसे किडनी बेच कर आया क्या? चुप कर, अपना स्कूटर बेच दिया, चले अब उस दीपक तिजोरी के पास। हाँ हाँ चलो चलो। यही है ना वो तिजोरी जिसे तुम लोग खोलना चाहते हो? जी हाँ, मगर अफसोस इसकी चाबी तुम लोग के पास नहीं है। अगर तुम लोगों को इसे खोलना है तो इसके लॉक को तोड़ना होगा। बेशक। और इसके लॉक को तोड़ने के लिए मैंने खास औजार बनाया है। ओए तो बता ना यार, जल्दी बता। चलिए जल्दी दिखाएं, जल्दी दिखाएं। पेशेंट्स, ओ भाई पेशेंट। अब इसे गौर से देखो। इसके सामने वाले हिस्से को तिजोरी के मुंह पे लगा दो और इसके अंडे को डंडे को 3 घंटा 33 मिनट और 13 सेकंड तक घुमाते रहो। 3 घंटे 33 मिनट और 13 सेकंड। ताला खुद ब खुद कट के बाहर आ जाएगा। फिर तिजोरी का दरवाजा खोलो, सारे पैसे निकालो और 9 to 11 हो जाओ। अबे ओ लंगड़े, तू हम चोरों को चूना लगा रहा है क्या? तू चंदा को नाचना सिखा रहा है? हाँ? तुम ब्लडी स्पाइडरमैन है कि लंगड़ा कॉनमैन? 200 रुपये की चीज का 1,00,000 रुपया? औजार की कोई कीमत नहीं होती, बल्कि कीमत उस दिमाग की होती है जो औजार बनाता है। सुनो मेरे जोकर्स, क्या तुमने कभी अंदाजा लगाया है कि जो तिजोरी तुम लोग लूटने जा रहे हो उसमें कितना पैसा है? नहीं। जो तिजोरी 4.5 फीट लंबी और 2.5 फीट चौड़ी हो और अगर उसमें 500 की भी नोटें हो तो 5 करोड़, और अगर उसमें 1,000 की नोटों की गड्डी रही तो कम से कम 10 करोड़। अब ये रह गया। What a bunch of jokers! बर्दाश्त कर सके हैं, बेहोश हो सके, औरों को खुला सके। लोग कहेंगे सुपरस्टार, देख के
के मुझको लगेगी यार, लोग कहेंगे सुपरस्टार, देख के तुझको लगेगी यार, लोग कहेंगे सुपरस्टार, देख के मुझको लगेगी यार, शाहरुख के दिल पे चोट 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 लग जाएगा अपना भी। रात को तिजोरी का ताला तोड़ेंगे और अपना सपना पूरा करेंगे और कल सुबह का सूरज हम करोड़पति बनकर देखेंगे इंशाल्लाह। बट कॉमरेड्स, वी हैव टू बी केयरफुल। हिंदी में बोल। हमारे चाल चलन पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। बस वैसे भी हमारे पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द पुलिस। इसलिए मेरा एक सजेशन है कि अभी हम सब लोग अलग अलग हो जाते हैं और रात को 9 बजे मिलेंगे भेस बदल के डिस्गाइज में वाटर पार्क ठीक 9 बजे। और क्योंकि हम 6 लोग होंगे इसलिए हमारा कोड वर्ड होगा छक्का। छक्का, हाउ रोमांटिक। साले फ्लॉप हीरो, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, समझा? ए बाबू सीधा खड़ा रहना। सॉरी सॉरी। कटा क्या? नहीं कट रहा यार, ऊपर ले ऊपर ले। और ऊपर लिया तो मैं ऊपर जाऊंगा। कट बेटा कट।
छक्का 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 गैबलर द फुल छक्का एक पूरा और एक आधा छक्का चिच्चा छक्कन है? अरे हम तो छह थे ये सातवां कहां से आया किसी को हमारे प्लान का पता तो नहीं चल गया चिंदी देख कौन है जा देख ओरिजिनल छक्का माटी मिले को भी बुरका ही मिला था अरे तो हमने सोचा गेटअप में कोई हमारी शक्ल ना पहचान ले मैंने भी यही सोचा था ओए कमाल है जी मैंने भी यही सोचा था अच्छा चलो अभी काम की बात करो वो देखो वो सामने है नेहलानी का फ्लैट और उसके बाजू के खाली फ्लैट में हमें घुसना है अबे ये क्या हो गया हीरो तूने तो कहा था इस फ्लैट में कोई नहीं रहता मुझे नहीं पता मुझको तो हॉर्ना ने बोला था लगता है ऊपर कोई रहने आ गया है वाह बहुत नई बात बताई हां लगता क्या है दिखता नहीं रहने आई है एक काम करते हैं जाके पूछते हैं कौन है भाई चुप है बाप पे खड़ा रहे यहां पे मैं देखता हूं सॉरी खुला है मेरा पिंजरा मार्को ओए मार्को तेरा लड़का नहीं मेरा लड़का हिंदी में गा वीर तुम बड़े चलो हम तुम्हारे साथ अरे आइए मोबाइल चोर चुप है चिंदी चोर मैंने पूरी इंक्वायरी निकाल ली है उस फ्लैट में दो 80 साल की जुड़वा बुढ़िया रहने आई हैं नदीमा और नादिरा एक अम्बखत मैंने अपनी आंखें मलमल के देखी हैं मलमल के देखी हैं कि नहायत कमसिन खूबसूरत दोशीजा कसम खुदा की चिंदी वो उनकी खूबसूरती कैरेक्टर है नीना और उन्होंने इस फ्लैट को किराए पे लिया है और मेरे ख्याल से 11 महीने तक डेरा डालने का इरादा है और इसका मतलब ये हुआ कि हमको और 11 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा हो सकता है मिस्टर बूटा देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी को प्लीज हिंदी हो सकता है 11 महीने बाद वहां कोई दूसरा किरदार रहने आ जाए और हमें 22 महीने तक इंतजार करना पड़े ओए नहीं तब तक तो ये टाटा भी बड़ा हो जाएगा 22 महीने मैं नहीं रुक सकता मेरे करियर का सवाल है यार ए हीरो तू साइटम नीना को पटाना व्हाट और उन बुढ़ियों को हम संभालेंगे हां अब तू वो दो बुढ़ियों को भी हमारा राजदार बनाएंगे अब ए थकेले चिलगोजे के छिलके मैं राज बताने की बात नहीं कर रही हूँ प्यार के जाल में फंसाने की बात कर रही हूँ ताकि हम उस फ्लैट के अंदर घुस सके शकुंतला मेरे पिया गए रंगून वास किया है ओए पकड़ छमस लोगो पकड़ और किधर भाग रही है रुको प्लीज जाने कहां अभी कहां जा रही है तू हाय हाय किधर बच्चा ओए अच्छा अच्छा प्लीज मेरा पर्स वापस कर दो इसमें कुछ नहीं है ले कुछ नहीं है तो काम को क्या तुम कोलगेट करती हो हम मर्दों से डरती हो फरान
ये जो खिलौना तेरे हाथ में है ना, ये किसी भी दुकान में मिलता है, लेकिन इसको चलाने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो किसी दुकान में नहीं मिलता, उसको मर्द लेके जाना होता है, समझा? पॉइंट। सॉरी, हमको गेट नहीं करते हैं। वैसे हम फ्राइडे को कहाँ मिल रहे हैं? क्यों? फिल्में नहीं देखते क्या? हमेशा हीरो तो हीरोइन की इज्जत बचाता है, और फिर पहली नजर में दोनों को प्यार हो जाता है। मुझे तो तुमसे हो गया, तुम्हारी बात मैं जानता नहीं। साले कुत्ते हीरो, तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा, बाहर आने दे तेरे को, मैं तेरे को ना लकड़ी की तरह काटूंगा, मैं चीलूंगा तेरे को, चाट को, बाहर आने दे, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। तेरे बाल काटूंगा, बाल तेरे बाल। लकड़ी से बात कर रहा है क्या? हाँ नहीं सर। चल जल्दी जल्दी कर, कमान कमान फास्ट। कर रहा हूं। चाट का मोटा साला। ओ साहब, मेरे अकेले से इतनी मेहनत करवाता है, कभी चिकन विकन तो खिला? हाँ खिलाता हूँ ना, डंडा तेरे को। साला मोटा, खा खा के मरेगा एक दिन। ए क्या बोला रे, बहुत चर्बी चढ़ गई क्या तेरे को? उतार क्या पहले अपनी चर्बी उतार, मोटे साले। ए, क्या बोल रहे? तेरी जात कल। तेरो तेरी। भैंसे को क्या हो गया? ए भैंसे, ए त्री, ये तो मर गया लगता है। अरे नमस्ते साहब। जैन सर। हीरो तुझे नहीं छोड़ूंगा। अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, दिल तो ये चाहे कभी नहीं जाना, दिल तो ये चाहे कभी नहीं जाना।
के रंग खिले हैं, मौके से हम भी मिले हैं। शाम के रंग खिले हैं, मौके से हम भी मिले हैं, और अभी होंगे शुरू प्यार के जो सिलसिले हैं, प्यार के जो सिलसिले हैं। शुक्रिया तेरा कहा जो मना मेरा, शुक्रिया तेरा कहा जो मना मेरा, आजा अब आके बाहों में समाना, आजा अब आके बाहों में समाना। रोज तो मुझे छोड़ के चले जाती हो, कभी घर नहीं बुलाओगी? क्या करूं, वो है ना दोनों बुढ़िया, वो हमेशा घर ही पे रहती, कभी बाहर नहीं जाती। यहाँ कहीं नहीं जाती, सिर्फ फ्राइडे की शाम को अपने पंचगनी वाले बंगले पर जाती है। मतलब वो हर फ्राइडे रात को जाती है? हाँ। मतलब तुम हर फ्राइडे रात को अकेली रहती हो? हाँ, अगर तुम चाहो तो इस फ्राइडे इवनिंग को तुम मेरे घर आ सकते हो। घर पे तो मैं तुम्हारे आऊंगा, आई मीन इस फ्राइडे नाइट को मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा और तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा। यूं समझ लेना कि तुम्हारा प्रिंस तुम्हें एक पार्टी पे लेके जा रहा है, एक बहुत खूबसूरत पार्टी, राइट? इस फ्राइडे नाइट का तो मुझे बरसों से इंतजार था। इस फ्राइडे नाइट को मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, तुम्हें अपना के। बाय 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 बाय, सी यू, लव यू, बाय बाय बाय। यस यस। हीरो, ओ
अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे बच्चे, नहीं छोड़ूंगा अब तो तुझे। यार आज के लिए अड्डी छोड़ के गया था ना साले, चलने को नहीं हो रहा है क्या यार, चलना। अरे बंद करो इसको, ये देख अपना चिकन चालू है समझा क्या, चल रहे अभी भुर्जी खिलाओ इसको। आ गया बेशरम, क्यों बंद कर रहे हो हवलदार साहब, अब ये नहीं भाग सकता। तो फ्राइडे नाइट को बुढ़िया अपने घर से बाहर रहेंगी और नीना को अपने घर से बाहर रखने का चक्कर भी चला दिया मैंने। yeah. ये है वो फ्लैट ए विंग का जो कि बुढ़ियों का फ्लैट है। इसकी दीवार को तोड़ के हमें बी विंग के फ्लैट में जाना है जो कि नीलानी का फ्लैट है, मेरे मतलब जहां पे तिजोरी है। एक बार तिजोरी हमारे पास तो सैटरडे की सुबह का सूरज हम करोड़पति बन के देखेंगे। यस। अरे जियो। यप्पी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। ऑन दिस स्पेशल ओकेजन वी शुड ऑल सेलिब्रेट। मार्को हिंदी में बोल। बेचारी हमें लब्बो लबाब से जश्न मनाना चाहिए। मार्को मियां ये उर्दू हो गई, हिंदी में बोलिए। मियां शायर बन गए, शुद्ध हिंदी बोलिए। हमें सच्चे हृदय से पुलकित होना चाहिए। हाय माँ, क्या तबीयत बहुत खराब हो गई, हॉस्पिटल? मैं देखता हूँ मैं कैसे। What do you mean मैं कैसे? अरे माँ का फोन था। मदर, माँ, you must go, 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 go। मैं आता हूँ। Listen, कैसे जाएगा? भाग के जाऊँगा। और वापस कैसे आएगा? भाग के आऊँगा। Silly boy, ये लो, टैक्सी से जाना और ऑटो से वापस आना। Thanks, go my boy, go. Father? Yes, my son Marco. Please pray for Nandu's mom. I will pray for Nandu's mother, my son. Thank you. Upar wale, Nandu ko shakti dena. मेरा काम हो गया है। हाँ मैं आता हूँ, तू वहीं रुकना। हाँ मैं आता हूँ। हाँ 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 ओके। अरे थोड़ी देर पहले तो बहुत मर्दानगी दिखा रहे थे और अब चूहे के जैसे भाग रहे हो। चूहे के जैसे? अपने भाई का साइज देखा है? कभी ना कभी तो उन्हें पता चलेगा ही ना, उस दिन क्या करोगे? डोंट वरी डेजी, फ्राइडे को हम लोग चोरी करेंगे, मुझे पैसे मिल जाएंगे। सैटरडे को मैं जाकर मार्को से बात करूंगा तुम्हारी और मेरी शादी के बारे में। और तुम्हें क्या लगता है मार्को राजी हो जाएगा? मार्को हमेशा से यही चाहता है कि उसके बहन का पति ऐसा हो जो मेहनती और ईमानदार हो, और मार्को ही क्यों, हर बहन का भाई यही चाहता है। मार्को ये बात जानता है कि वो मेरे लिए एक अच्छा लड़का नहीं ढूंढ सकता,
इसलिए उसने यह जिम्मेदारी फादर को दी थी और फादर ने वो लड़का ढूंढ लिया है जो मार्को को भी बहुत पसंद है। इसलिए मैंने तुम्हें कितनी बार ये बात समझाने की कोशिश की लेकिन तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं था। कितनी बार तुमसे कहा कि चोरी छोड़ दो क्योंकि यही हमारे प्यार के बीच की रुकावट बनेगी। I promise you, Daisy, ये आखिरी चोरी, फिर मैं चोरी नहीं करूंगा। एक दिन पहले तुम मार्को के साथ जाकर चोरी करोगे और फिर दूसरे दिन आकर चोरी छोड़ने की बात बोलकर मार्को से मेरा हाथ मांगोगे और वो तुम्हारा विश्वास कर लेगा, है ना? और फिर शायद वो तुम्हारी मुझसे शादी करा भी दे। मैं तुमसे आज ये बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज के बाद हम शायद फिर कभी नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि तुम्हारी तरह मार्को ने भी चोरी के दूसरे दिन फादर के साथ लड़के वालों के यहाँ जाकर मेरी शादी की डेट फिक्स करने की सोच रखी है। ओहो, तैयारियां हो गई। अरे बूटा, तेरा हाथ कैसे टूटा? अरे बूटा, अरे यार वो चाइनीज मिल गया था जिसका मैंने कैमरा चोरी किया था ना, उसने मार मार के हालत कर दी। अरे यार उनको कराटे आता था। आज ही का दिन मिला था तेरे को हाथ तोड़वाने के लिए, कल भी तो तोड़वा सकता था। उसके कराटे के चक्कर में हमारा एक आदमी कम हो गया। ओ कोई नहीं कोई नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। क्या हो गया? मार्को, ये क्या, तू आज पहली बार तंबाकू के साथ पाइप पी रहा है? इसको क्या हो गया? हेलो फादर। यस माय सन। फॉरगिव मी फादर, आज मैं किसी का मर्डर करने जा रहा हूं। गिव हिम वन चांस। नो सेकंड चांसेस फादर। मार्को क्या पागल हो गया? था पागल था जो आज तक इसकी हर एक बात को सच मानता रहा। मार्को क्या हुआ, इसने तेरा मोबाइल चुराया क्या? अरे ये कमीना, अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर मेरी बहन के पास जाता रहा, इतने दिनों तक मेरा बेवकूफ बनाता रहा, और मैं इनोसेंट मार्को इसे जाने के लिए टैक्सी और आने के लिए ऑटो के पैसे देता रहा, इसकी माँ के हेल्थ के लिए फादर से प्रेयर कराता रहा। रोमियो मस्ट डाई, रोमियो मस्ट डाई। मेरी बात सुन मार्को, मार्को, मार्को देख, अगर तू इसको मार देगा तो इसकी बीमार माँ का क्या होगा यार? अरे कौन सी बीमार माँ, कैसी बीमार माँ, जिस बीमार माँ का ये बहाना बनाता रहा है वो तो 5 साल पहले मर चुकी है। क्या मतलब 5 साल से ये तेरी बहन के साथ? 5 साल से नंदू मेरी बहन के साथ, मेरी बहन के साथ? रुक, मार ले मार्को, मुझे मार ले। लेकिन मारने से पहले मेरी एक बात तो सुन ले, मैं तेरी बहन से प्यार करता हूं और डेजी से शादी करना चाहता हूं। और तुझे क्या लगता है कि मैं डेजी के साथ तेरी शादी होने दूंगा? अरे मैं ये चोरी इसलिए कर रहा हूं ताकि उसकी शादी किसी अच्छी जगह कर सकूं। मैं जानता हूं और डेजी भी यही चाहती है कि मैं चोरी छोड़ दूं, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसे चोरी छोड़ दूंगा और आज इस चोरी में तुम लोगों का साथ भी नहीं दूंगा। ये क्या क्या वो क्या बोल रहा है? ओए मैं ये रख लो यार, तुम लोग 1 करोड़ रुपए रख लो, नहीं चाहिए मुझे, मैं कोई भी काम कर लूंगा और डेजी को एक अच्छा और एक ईमानदार आदमी बनकर दिखाऊंगा। मैं डेजी से प्यार करता हूं मार्को, आई लव योर सिस्टर, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। और इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं मार्को, आई एम सॉरी फ्रेंड्स। अरे तुम लोग ऐसे सकते में क्या आ गए यार? अरे मोहब्बत में तो लोगों ने तख्तो ताज छोड़ा है, नंदू ने तो सिर्फ चोरी छोड़ी है यार। चले आप तलवार फेंके, तलवार फेंके, छोड़ दे। आजा मार्को इत्थे आ, तेरे को तलवार नहीं तेरे को पाइप शोभा देता है। ए ले तेरी शोभा, ए ले फड़ फड़ ले। थैंक यू बूटा। आज कोई भी छोड़ के जाए, कुछ भी हो जाए, हमें अपना प्लान पूरा करना है। मैं अभी नीना के यहाँ पे जाऊंगा, उसको यहाँ पर लेके आऊंगा, नींद की गोली खिलाऊंगा, फिर हम लोग अपना मिशन पूरा करेंगे। इज दैट क्लियर?
Okay, I'll be back in some time. You guys take care. There we go. Hi. अरे अंदर 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 जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ नीना ये नीना कहाँ जाएँ कहाँ inside 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 fast 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 दरवाजे के अंदर जल्दी 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 जाओ जाओ नीना क्या हुआ तुमने इस तरह से दरवाजा क्यों बंद कर दिया actually मैं तुम्हें देख के बहुत surprise हो गया था excitement की वजह से मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था तुम यहाँ पे क्यों आ गई तुम मेरे पास आ रहे थे ना इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई तुम्हें ये बताने के लिए कि मैंने उन जुड़वा बुढ़ियों की नौकरी छोड़ दी क्या बाहर से आइए कौन है कौन बोल रहा है चुप रहो शट अप तुमने नौकरी छोड़ दी हाँ बुढ़िया कहाँ है वो तो अपने घर को लॉक करके पंचकनी चली गई तुम्हें पता है मैंने ये नौकरी क्यों छोड़ी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी नजर दुनिया के सामने झुके तभी मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी पार्ट टाइम जॉब करूंगी और अपने बलबूते पर सिंड्रेला से प्रिंसेस बन जाऊंगी और अपने आप को तुम्हारे लायक बनाऊंगी ये फैसला तुमने मेरे प्यार में किया नहीं हमारे प्यार के लिए किया है अब हमारे मिलन को कोई नहीं रोक सकता और अब हमें वो गाना भी नहीं गाना पड़ेगा अभी नहीं जाना नहीं नहीं गाना मत गाओ ये गाना गाने का टाइम नहीं है अभी हमको जाना पड़ेगा यहाँ से हाँ तुम चलो 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 मैं तुम्हें बाहर छोड़ के आ रहा हूँ चलो 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 टाइम नहीं है टाइम नहीं गाना तो मंडे को गाना हाँ मंडे को गाना गाना चलो 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 उठा निकल यार इसने तो अभी से चानस लेना शुरू कर दिया खाली घर का बड़ा चालू है ये हीरो तो ओ हीरो आ गया ओ हीरो आज अपना टाइम एकदम सही है घर पूरा खाली है मतलब चिकने अपन को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता नेक काम में देरी किस बात की है मियां चले लेट्स हिट द जैकपॉट यस We'll be right back.
टाटा सिंह चोरी करने जा रहे हैं नारो। इसे अभी रोना था। अरे बेटी अल्लाह, बड़े शर्म की बात है, अल्लाह पर्दा होता है। ओके, पीछे क्लब हाउस है और क्लब हाउस के सामने है इस तरफ, ये है मेन एंट्रेंस और इसके सामने है वो दीवार, ये है वो दीवार जो हमें तोड़नी है। अबे चिकने, अगर यही दीवार है तो देख क्या रहा है, तोड़ना इसको तो मैं एक टेक में तोड़ दूँगा। In the name of the Lord, Marco will do it. क्या हुआ? Sorry, खंडन नवाब, sorry. बोला नहीं. चल, 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 चल. क्या हुआ? चुप. जाएगा, जाएगा. रो रहा है, चल देखते हैं। टाटा बेटा मत ना पी। टाटा रो मत, टाटा चोरी करते वक्त रोते नहीं बेटा, चुप चुप चुप। चिंदी इसको दूध दे। वो खुदा के गजब से डर यार, मैं मर दूं तेरी औरत थोड़ी, इसको कहां से दूध पिलाऊं? अबे तेरे को अक्कल है कि नहीं खुसट, मैं तेरा दूध नहीं। ये बॉटल ले और अंदर किचन में से दूध लेके जा। तू जेल ले जाके इसकी माँ से पिलवा के लाऊं? अबे चाहता है कि नहीं, वरना लुंगी के साथ ये भी नहीं रहेगा। चल बाबूलाल ने पहले रेड फोर्ट बनाया था क्या? अगर कच्ची दीवार ऐसी है तो पक्की दीवार कैसी होगी? मिस्टर मार्को, आई थिंक हमें बातें नहीं करनी चाहिए, काम करना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, कम ऑन लेट्स गो। अरे क्या यार, तुम लोग पूरा बिल्डिंग गिराएगा क्या? रुको मार्को, रुक, come on, come on, हट, मैं करता हूँ, हट हट, उतर, हट। मत रो टाटा, मत रो। ये देख अभी दीवार कैसे टूटेगा। मार्को तू भी ध्यान देना। देख देख, तेरे पापा चोरी करने में कितना मेहनत कर रहे हैं। कांटा लगा बंगले के पीछे तेरी बेरी के, अरे तो और भी रो रहा है। चुप हो जा टाटा, प्लीज मत रो। ये तुम्हारी माँ का आवाज बंद करो। In the name of the Lord. Let me try. Move aside. Ready. Steady. Okay. Go. Cool, cool. Hard ja. One, two, three.
अबे चिंदी तू तो दूध लाने गया था, बाजू के फ्लैट में क्या कर रहा है? बाजू के फ्लैट में? अल्लाह की कसम हमको तो नहीं मालूम, हम तो यहाँ है। अबे चू, ये किचन इसी फ्लैट का है, तुम लोगों ने गलत दीवार तोड़ दी। ओह माय गॉड, यल्ला एक और हॉल, ला हॉल। एक घर में दो दो हॉल? हॉल के एक आगे हॉल, हॉल के एक पीछे हॉल, बोलो कितने हॉल? ओह गॉड हाउ मेनी हॉल्स। मैं समझ गया, ये जो बुढ़िया है जुड़वा, इन्होंने दो बेडरूम के साथ साथ दो हॉल भी बनाए, तो उस हिसाब से मेन एंट्रेंस यहाँ पर है, क्लब हाउस पीछे है, और जिस दीवार को हमें तोड़ना है वो यहाँ है। ओ हीरो, आप तोड़े। वो देखिए, आइए जनाब, आइए आइए, इजाफा करें। देख क्या रहे हो, ये पैसे तुम्हारे हैं, ले लो उनको। मियां फिर देर किस बात की है, जल्दी जल्दी इसका पांच हिस्सों में बंटवारा करो। पांच नहीं, चार। क्यों? क्योंकि मैं अपना हिस्सा नहीं लूंगा। अबे चिकने, जब तेरे को ये माल नहीं चाहिए था तो फिर अपने साथ ये चोरी क्यों किया? क्योंकि मैं तुम लोगों का करोड़पति बनने का सपना नहीं तोड़ना चाहता था। आज जब मैं नीना से मिला तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कर क्या रहा हूं। वो मेरे प्यार में अपने आप को मेरे लायक साबित करना चाहती है, अपने विश्वास पर, अपने बलबूते पर, और मैं अपनी जिंदगी भर की कड़ी मेहनत और स्ट्रगल को भूलकर चोरी करने निकला था। शायद मैं भूल गया था कि जो आदमी अपनी मेहनत से कुछ नहीं कर सकता वो चोरी के पैसों से क्या करेगा। मुझसे अच्छा तो नंदू है, उसे बात सही समय पर समझ आ गई कि पैसे से कहीं ज्यादा अहम प्यार है। मैं नीना के पास जा रहा हूं दोस्तों। अब तक उसने मेरे धोखे को प्यार समझा, लेकिन मैं उसे अपने प्यार में धोखा नहीं दे सकता। आप लोग ये पैसा रख सकते हैं, मैं जा रहा हूं। One minute, brother. Marco will also take a walk. अम्मा तुम्हें क्या हुआ भाई? I've just realized. अगर डेजी ये चाहती है कि उसका पति चोरी ना करे, तो वो हमेशा यही चाहती होगी कि उसका भाई भी एक अच्छा इंसान हो। मगर उसने मुझसे कभी नहीं कहा। शायद ये सोच करके मैं उसकी बात कभी नहीं मानूंगा। I'll just go and tell Daisy कि मैं उसके लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ। तू क्या उसके लिए ये सारा दौलत छोड़ देगा? Why not? अगर जिंदगी भर चोरी करने वाला नंदू डेजी की खुशी के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, तो क्या मैं मार्कोस अपनी उस डेजी के लिए जिसे मैंने इतने से लेके इतने तक मां बाप की तरह पाला है, ये हराम की दौलत नहीं छोड़ सकता? आज से मार्कोस द कैम्बला एक अच्छा इंसान बन के जिएगा। एक मिनट मार्को, मैं भी चलता हूं। मुझे एहसास हो गया है, नहीं चाहिए मुझे चोरी के पैसे।
दुनिया में लोग अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और मैंने मैंने अपने टाटा सिंह को गोद में ही चोर बना दिया। नहीं चाहिए मुझे चोरी के पैसे। ठीक कह रहा है तू बूटा, तुम लोग का बात सुनकर अपन को भी रियलाइज हो गया कि अपन को अपना प्यार क्यों नहीं मिला आज तक। वो हांडा है ना, वो भी यही सोचता है कि चंदा को सिर्फ पैसे से प्यार है, वो पैसे के लिए नाचती है और पैसे के बिना नहीं जी पाएगी। आज हम भी ये दौलत को ठुकरा के साबित कर देगा कि चंदा को ये हरे नोट से नहीं, उस कमीने होंडा से एच प्यार है। चिंदी ये पैसे तुम रख लो। हाँ ठीक है। हाँ रख ले चिंदी। ये पैसे मैं रख लेता हूँ, लेकिन कमाल है ना, सब मुझे को छोड़ के चले जाते हैं। मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, उसका गम बुलाने के लिए मैं लखनऊ छोड़ के बंबई आया, और तुम दोस्तों की दोस्ती कमाई, और तुम दोस्तों की खुशी में मैंने अपनी खुशी ढूंढी, और इस कमीनी दौलत के लिए तुम लोग मुझे छोड़ रहे हो, और मैं इतना कमीना हूं कि इस कमीनी दौलत के लिए तुम लोगों को छोड़ूं। अरे एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों, मुझे अपने साथ ले चलो यार, मुझे मत छोड़ो, मुझे ले चलो। लेकिन अब इन पैसों का क्या करेंगे? मैं बताता हूं मिस्टर नहलानी, ये पैसे आपके हैं। मेरे पैसे? भाई आप लोग कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन हम आपको जानते हैं, हम आपको पिछले दो हफ्ते से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप 102C स्टार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं राइट? अब कौन सा फ्लैट? सी स्टार में मेरा कोई फ्लैट नहीं है। ए सेठ क्या बोल रहा है तू? अपन ने तो तेरे को वो छोकरी लोग के साथ उसी फ्लैट में वीडियो कैम पे शूट किया है। कसर दिखाऊं क्या? ये देख डार्लिंग कौन है ये लोग, क्या बात है? डार्लिंग दो मिनट प्लीज। हाँ दो मिनट। तो तुम लोग मुझे ब्लैकमेल करने के लिए आए हो? कितना पैसा चाहिए तुम्हें, कितना पैसा चाहिए? अरे पैसे लेने नहीं, पैसे देने आए हैं। ये पैसे जो तुमने उस फ्लैट की तिजोरी में रखे थे। तिजोरी का पैसा? माय डियरेस्ट होनी प्लेबॉय। अरे हिंदी में बोल मार्को। देखो हमने तुम्हारी वो तिजोरी तोड़कर वो पैसा लूट लिया है। डार्लिंग क्या कर रहे हो? पार्टी में सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। अब डार्लिंग टू मिनट्स। भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं? वो फ्लैट मेरा नहीं था, और ये पैसा भी मेरा नहीं है, वो कोई और आदमी रहा होगा। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए ना प्लीज यहाँ से, जाइए प्लीज। एक मिनट। देखिए ये आप ही के पैसे हैं। हम सब चोरों ने मिलकर ये फैसला किया है कि आप शराफत की जिंदगी जिएंगे, और हम ये नहीं चाहते कि पुलिस इन पैसों की वजह से हम तक पहुंचे। आप ये सुनो, अब देखो भाई साहब, पुलिस तो आपको तब पकड़ेगी ना जब कोई कंप्लेंट करेगा, कोई रिपोर्ट लिखवाएगा। पुलिस की टेंशन आप लोग मत लीजिए, प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से प्लीज। सौ बात की एक बात, आप ये पैसे ले लो, हम चले जाएंगे। अरे भाई साहब आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं क्या जवाब दूंगा अपनी बीवी को, इतना सारा पैसा कहाँ से आया? अब आप लोगों को क्या बताऊं, मैंने अपने ससुर को चूना लगा लगा कर ये पैसा इकट्ठा किया था। प्लीज भाई साहब आप लोग क्यों मेरा डिवोर्स करवाना चाहते हैं? आप लोग प्लीज चले जाइए, उसे शक हो जाएगा, जाइए ना आप। लेकिन अब हम इन पैसों को क्या करेंगे? अरे ले जाइए इसे, ले जाइए, समझ लीजिएगा लोटो लॉटरी में जैकपॉट लगा था, जैकपॉट। अरे जाइए ना भाई साहब, आप मेरी शक्ल क्यों देख रहे हैं? आप माला माल हो गए, माला माल। वाओ जाइए जाइए, ले जाइए प्लीज भाई साहब, जाइए ना जाइए। अब इससे ज्यादा हम शराफत नहीं दिखा सकते। शराफत मियां निकलिए, थैला उठाइए और निकलिए। Jackpot!
तेरे प्यार को मेरे इतना प्यार दिया, प्यार ने तेरे प्यार को मेरे इतना प्यार दिया कि बिन तेरे सांसों ने चलने से इनकार किया। प्यार ने तेरे प्यार को मेरे इतना प्यार दिया, प्यार ने तेरे प्यार को मेरे इतना प्यार दिया कि बिन तेरे सांसों ने चलने से इनकार किया। प्यार ने तेरे